Industrial Revolution, now also known as the first Industrial Revolution, was a transition to new manufacturing and a process in the Europe and the United States. ये सारे revolution के बारे में सुन गए, आपको tension लेने का जरूरत नहीं. अभी मैं सिर्फ ये स्थापित करना चाहता हूँ, market में revolutions आएगा, वो 100 years तक चलेगा, 100, 200, 300 years तक चलेगा, and it will become normal and it will be part of the life of the people. Okay? इसके बाद कौन सा रेवोल्यूशन आ गया हम देख लेंगे. थर्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया 1930s और 16 में. एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड. थ्री टाइप्स ऑफ नेशंस होता है. डेवलप्ड नेशन मीन्स है उधर ऑलरेडी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, उसको खेती बाड़ी ऑलरेडी अच्छा चल रहा है. बट जो डेवलपिंग नेशन में अगेन एक और रेवोल्यूशन आ गया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड थर्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 1930s टू 1960s. आप लोग सुन पा रहे हैं ठीक से? अगर नहीं सुन पा रहे फटाफट मेरे को कमेंट डाल देना. ओके, वेरी गुड. सो दिस थर्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रीन रेवोल्यूशन. ये सारे हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है. अभी हम देख लेंगे डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है. एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद आपको मालूम है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक रेवोल्यूशन आ गया, दैट इज कॉल्ड डिजिटल रेवोल्यूशन. 1947 से लेके 2005 तक चला, अभी भी चलते जा रहा है. ऑलमोस्ट 73 ईयर ओल्ड आईटी रेवोल्यूशन. डिजिटल रेवोल्यूशन मींस इट इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन. ये भी आ गया 1947 से शुरुआत हो गया, यूएस वगैरह में शुरुआत हो गए, एशियन कंट्रीज में भी आ गया, एशियन कंट्रीज में भी 1980s में आ गया या 1970s में आ गया. बट शुरुआत में सारे लोग इसको अपोज कर रहे थे आईटी रेवोल्यूशन को. दिस इज कॉल्ड डिजिटल रेवोल्यूशन. डिजिटल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1947, वहां से लेके अभी किधर पहुंच गया. देखो डिजिटल रेवोल्यूशन मींस क्या है, उसका जो डेफिनेशन इधर दिया हुआ है आप पढ़ सकता है. ऑल्सो नोन एज द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिकल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विच बिगन इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी विद द अडॉप्शन एंड prolification of digital computers and digital record keeping etc. That means a revolution, one by one revolution aata ja raha hai, aata ja raha hai. Bhai hamara direct selling industry se isse kya sambandh hai, ye aap shayad soch rahe hoga. Main sthapit karna chahta hai, direct selling industry bhi koi chota mota koi naya koi industry nahi hai. Ye year old, hundreds of year old industry hai. Iska origin 150 years before iska origin स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है. उसका बारे में मैं बताना चाहता हूँ. इसे इधर लिखा हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 134 ईयर ओल्ड है. जो एक कंपनी शुरू हो गया उस कंपनी से लेके मैंने 134 ईयर ओल्ड लिखा हुआ है. अदरवाइज इट इज 150-60 ईयर ओल्ड कंसेप्ट. सो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, रिमेन्स द बेस्ट पाथ फॉर द एंटरप्रेन्योरिज्म अवेलेबल टू एनी वन इंडिविजुअल. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर इंडिविजुअल के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा है विदाउट रिगार्ड टू लार्ज बैंक अकाउंट. दैट मींस बैंक में बहुत बड़ा पैसा ना रखे भी ये जो बिजनेस आप शुरू कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, इसमें सक्सेस हो सकता है विदाउट रिगार्ड टू ए लार्ज बैंक अकाउंट और एसेस टू वन विदाउट रिगार्ड टू एजुकेशनल बैकग्राउंड. किसी का भी अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है तो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप मेंबर बन सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, आप आगे बहुत बड़ा सक्सेस में जा सकता है. बट मार्केट में अगर देखो कोई भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोई इंडस्ट्री आपको स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, आपको बेसिक क्वालिफिकेशन का जरूरत है, अच्छा एजुकेशन का जरूरत है, अच्छा जानकारी का जरूरत है. बट एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई भी अनपढ़ आदमी भी शुरू करके सक्सेसफुल करवा सकता है एंड विदाउट रिगार्ड टू एक्सपीरियंस. कोई एक्सपीरियंस का बिना आप कर सकता है. आप कोई भी फील्ड में, अदर फील्ड में आप देखो, उधर एक टीचर बनने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, डॉक्टर बनने का भी एक्सपीरियंस चाहिए, एक ग्रोसरी शॉप चलाने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए. कोई भी फील्ड, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के कोई भी फील्ड में अगर आपको कामयाब बनना है, उस फील्ड का एजुकेशन प्लस आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है. वाइसली चूजिंग ए प्रोडक्ट. अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब होना है, आपको सिंपली क्या करने का है, वाइसली चूज ए प्रोडक्ट. बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट लाइन आपको चूज करना है, एक अच्छा कंपनी को चूज करना है, उस कंपनी के साथ एसोसिएट करके आप बेस्ट डायरेक्ट सेलर बन सकता है. इधर आपका सबसे बेहतरीन पॉइंट क्या है, आपने बाई डिफॉल्ट डीएक्शन में आया मतलब एक बेहतरीन प्रोडक्ट लाइन आपने चुन लिया, एक बेहतरीन कंपनी आपने चुन लिया.
तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है डीएक्सएन है, वो डीएक्सएन आपके हाथ में ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि मुझे जो सुनने वाला लोग डीएक्सएन मेंबर्स मेरे को सुन रहे, जितना भी लोग जो डीएक्सएन मेंबर नहीं बना है अगर मुझे सुन रहे, आप लोग अपना जो फ्रेंड के साथ जो कॉन्टेक्ट कीजिए एंड उनसे बोला यार मेरे को फटाफट डीएक्सएन मेंबर बना दो, क्योंकि डीएक्सएन बाई डिफॉल्ट एक ग्रेट कंपनी है, उसके बारे में मैं आगे बात करेंगे। आपको मालूम है इसका जो डायरेक्ट सेलिंग है जो शुरुआत किधर हो गया उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सॉरी लिटिल टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, मेरा स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। शेयर द स्क्रीन। Please stay back with me. In 1855, Reverend James Robinson Graves developed a business model that had young men who is going to door to door and selling the product. That means हमारा जो background है direct selling industry का जो background अगर देखा जाएगा, it's a very old one. आप सुन पा रहे हैं ना मेरे को? थोड़ा technical problem हो गया, sorry for that. सुन पा रहे हैं? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए. Wow, wonderful. So, इसका मतलब हम जिस इंडस्ट्री में है, जिस कंपनी में है, जिस कंपनी जिस बेस में है, जिस इंडस्ट्री का बेस में है, वो छोटा मोटा और कोई नया कोई कंसेप्ट नहीं है। तो आपको प्राउड होना चाहिए, हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 165 ईयर ओल्ड कंसेप्ट है। बट कंपनी शुरुआत हो गया इसके बाद, बट 165 ईयर ओल्ड कंसेप्ट है। इसलिए आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना, अगर कोई बोला है कोई स्कीम लेके तो नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, इट इज अ रियल इंडस्ट्री, इट इज अ रियल बिजनेस। एंड आपको मालूम है, In 1986, Mr. David H. McConnell recognized that women were rarely offered the opportunity. आपको मालूम है 1886 में जो लेडीज लोगों को एक इनकम कमाने का एक रास्ता नहीं था, उस समय मिस्टर डेविड एच मैकनल उन्होंने एक आइडिया रखा है। उस आइडिया क्या था, जो लेडीज को इनकम कमाने का घर पे बैठ के या घर से ऑपरेट करते हुए एक इनकम कमाने का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो नौकरी में जाता था, जो बिजनेस में जाता था, सारे लोग जेंट्स था, मेल्स था, लेडीज घर पे बैठता था, घर का काम करता था, बट उसको भी एक इनकम, अपना एक पर्सनल इनकम जनरेट करने का एक आइडिया इन्होंने रखा है। शेरी मैकोई करके जो हमारा जो आवोन करके जो कंपनी है उसका जो सीईओ ये आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया एंड इन्होंने एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1986 में स्टार्ट किया है। दैट कंपनीज नेम इज कॉल्ड अवोन। जो एवोन स्टार्ट करने के बाद उसमें 90% लोग जो कस्टमर है वो लेडीज है। अभी भी उसका जो डायरेक्ट सेलर्स है, जो मेंबर्स है, जो प्रमोट कर रहे हैं वो लेडीज है, क्योंकि ये जो कंपनी स्पेसिफिकली लेडीज के लिए बनाया गया है। आज भी उधर सबसे ज्यादा जो अचीवर्स है वो लेडीज है। तो इसका शुरुआत देखो भाई किधर है, कितना पुराना है, आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, अवोन इंग्लिश है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी एंड ब्यूटी सेक्टर में काम कर रहा है। इसका जो टर्नओवर है 2019 का 4.7 बिलियन। कितना साल के बाद, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के बाद अभी भी इसका 1886 में स्टार्ट किया, आपको समझना बहुत जरूरी है। 1886 में जो स्टार्ट किया कंपनी, अभी भी इसका जो टर्नओवर 4.7 बिलियन है, बट डीएक्सएन का जो टर्नओवर 1.2 बिलियन ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है 27 ईयर के अंदर। आपको ये बात समझना, क्योंकि मैं सारे डेटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका डीएक्सएन से ये सारे डेटा कंपेयर करके देना है, भाई डीएक्सएन किधर खड़ा है, ये सारे कंपनी किधर खड़ा है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो शुरुआत ये लोगों ने किया है, हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्टेबिलिटी में आने के लिए ये लोग बहुत स्ट्रगल किया है, अवोन आमवे ऐसे करके जो कंपनी स्ट्रगल किया है। बट हमारा जो कंपनी का अचीवमेंट क्या है, 27 ईयर बिफोर स्टार्टेड बट वी रीच्ड द 15th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
एनीवे अम्बे के बारे में अगर बात करें तो अम्बे 1959 में स्टार्ट किया है, 61 ईयर ओल्ड कंपनी है, ये भी नया कोई कंपनी नहीं है, 61 ईयर ओल्ड कंपनी है। अगर डीएसएन का 100 टॉप लिस्ट आप देखेगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो टॉप लिस्ट देखेंगे उसमें नंबर वन पोजीशन में जो अम्बे आ रहा है, अम्बे का जो टर्नओवर है 8.8 बिलियन इन 2018, 8.8 बिलियन, हमारा टर्नओवर 1.2 बिलियन, बट कितना साल पुराना है अम्बे आपको ये भी देखना है, 61 ईयर ओल्ड कंपनी है हमारा कंपनी, 27 ईयर ओल्ड कंपनी है। जब 61 ईयर ओल्ड हो जाएगा हम किधर पहुंचेगा आप सोच के देखो, ओके। 1959 में अम्बे का जो स्थापित हो गया, अम्बे फाउंड हो गया, तो अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग पूरा दुनिया में स्प्रेड होने के लिए अम्बे का रोल भी कम नहीं है, बहुत बड़ा रोल है अम्बे का भी। Reflame करके जो कंपनी है 53 ईयर्स ओल्ड है, ये भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, जो डेटा है विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा। 1967 में इन्होंने शुरू किया है, 1967 में द कंपनी इज बेस्ड इन स्विट्जरलैंड एंड अंटिल 17 जुलाई इट वाज लिस्टेड ऑन द नैस्डैक स्टॉकहोम आल्सो, सो इट इज आल्सो 53। देयर आर सो मेनी कंपनीज हु क्रॉस्ड द 50 ईयर 60 ईयर, सो इट मींस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कोई शुरू अभी नया नहीं है, ये सारे 10 साल 15 साल पुराना नहीं है, 50 साल 60 साल 100 साल पुराना है। फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, आप लोगों को आइडिया होगा यार डीएसए करके हमने सुना है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का शुरुआत किधर हो गया, 1910 में इसका डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का शुरुआत हो गया। McConnell's California Perfume Company joined with the 9 other companies from New York and Michigan to form a Agents Credit Association. उन्होंने वो सारे कंपनी मिला के, 9 कंपनी मिला के एक एसोसिएशन फॉर्म किया है, वो शुरुआत है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का शुरुआत है। इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का शुरुआत भी 110 साल हो गया भाई, सोचो 1910 में शुरुआत हो गया, 1910 में। तो इसका मतलब क्या है, ये भी डायरेक्ट सेलिंग न्यूज का जो मैंने जो डाटा निकाला, डीएसएन से डाटा निकाला है, इसका मतलब 10 साल 15 साल पुराना कंपनी नहीं है, डीएसए भी 10 साल 15 साल पुराना नहीं है, जो अमेरिका में जो डीएसए शुरुआत हो गया 1910 में शुरुआत हो गया। अभी हम ये देखेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक एसोसिएशन है उसका कितना साल पुराना है, वो कितना साल ओल्ड है हमें देखना चाहिए। WFDSA बोलते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसका हिस्ट्री अगर देखा जाएगा 42 इयर्स ओल्ड है, 1978 में इन्होंने शुरुआत किया है, दैट मींस इट इज 42 इयर्स ओल्ड। WFDSA का इसमें अराउंड 12 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उस समय जो एड जो ज्वाइन करके इसका जो फॉर्मेशन हो गया, अभी हंड्रेड्स ऑफ कंपनी है इसमें, हंड्रेड्स ऑफ डीएसए है इसमें, कंपनी ज्वाइन नहीं करता है, डीएसए ज्वाइन करता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मींस ये एसोसिएशन ऑफ डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, डीएसए यूएई दुबई भी इसमें WFDSA में मेंबर है। इन लोगों का एक 3 साल पहले एक बहुत बड़ा एक मीटिंग इधर दुबई में था, मैं सलीम शजीर सर, शबी सर, सबाश सर, हम लोग वो मीटिंग में अटेंड किया था, 20-25 कंट्रीज से जो रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम के लिए आया था। इसका मतलब क्या है, पूरा डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड कंपनी को कंट्रोल करने के लिए भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसका ऊपर कौन है, WFDSA है। इसका मतलब इट इज अ वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आप जिस कंपनी में जो आया, जिस इंडस्ट्री में जो आया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। डीएक्सएन के बारे में अगर देखेगा, ये भी विकिपीडिया से मैंने उठा लिया, 27 ईयर ओल्ड कंपनी, इज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बेस्ड इन मलेशिया, founded in 1993 by Dr. Lim Siojin. ये सारे आपको मालूम है, इसके बारे में मैं ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डीलिंग इन डायट्री सप्लीमेंट्स, मशरूम एक्सेट्रा, गैंडोरमा, लिंगशी एक्सेट्रा। सो डीएक्सएन का जो क्या क्या प्रोडक्ट है उसका बारे में मैं बात नहीं कर रहा है, आज हमारा जो विषय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ए न्यू एरा बिजनेस, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बूम होने का एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आपको प्राउड होना चाहिए, आप लोग जिस इंडस्ट्री में आया वो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बूम होने वाला इंडस्ट्री है, इसमें हर एक आदमी को प्राउड होना चाहिए। अगर आपको प्राउड नहीं है, आपको इस इंडस्ट्री से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगर आप मेरे को ठीक से सुन पा रहे, फटाफट अपना हाथ रेस कीजिए, रेस योर हैंड, वाओ आप सुन पा रहे ठीक से, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड।
अभी हम कुछ डेटा देख लेंगे भाई, डायरेक्ट सेलिंग बढ़ा है हम बोल रहे, बट डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस का क्या कंट्रीब्यूशन है पूरा दुनिया में, जो टोटल बिजनेस से कितना कंट्रीब्यूशन है, कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं भाई। 2015 में 183.6 बिलियन US डॉलर। आप सोचेंगे छोटा अमाउंट, छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत मोटा अमाउंट है। 2016 में 187 बिलियन US डॉलर, 2017 में 190.6 बिलियन US डॉलर, 2018 में 192.9 बिलियन US डॉलर। इतना ग्रोथ हो रहा है, मतलब ग्रोथ 1.5% 2% उसी रेंज में हो रहा है। बट ये जो सोर्स है, डेटा का जो सोर्स है WFDSA.org, आप उसमें जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये सारी डेटा, ये सारे रिलायबल डेटा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो डेटा है दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड डेटा, जितना कंपनी DSA में रजिस्टर्ड है उन कंपनी का डेटा कलेक्ट करके ये डेटा समराइज किया हुआ है। ऐसा कितना कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो सकता है जो DSA में मेंबर नहीं है, और उसका डेटा भी जोड़ेगा, ये अमाउंट बहुत ऊपर जाएगा। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में DSA में जो रजिस्टर हुआ कंपनी का जो डेटा है, अगर ये सारे डेटा इस ट्रेंड में जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा और बड़ा ट्रेंड में एक्सपेक्ट कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग न्यू एरा बिजनेस में। आज सब्जेक्ट आपका सामने रखेगा, माई एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रोथ इज मिनिमम 5% इन द कमिंग ईयर्स। So 2020 it will become 204 billion US dollar. 2021 it will become 240. It may increase also much more than 214 or 215. But I am just giving 5% growth. That is 2021 it will become 214 billion US dollar. I am only talking about the organized sector. मैं सिर्फ organized sector के बारे में बात कर रहा हूँ। 2022 में 225 billion हो जाएगा और 2023 में 236 billion US dollar हो जाएगा। अब समझो ये जो 204 जो 2020 में है उसमें 1.2 ऑलरेडी हमारा है, अगले साल भी 1.2 1.5 बिलियन से ज्यादा हमारा जो कंट्रीब्यूशन आएगा। ये पूरा दुनिया में अगर देखा जाए तो कोई छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है DXN का। ओके, तो माय एक्सपेक्टेशन इज बाय 2020 इट विल बी 204 एंड बाय 2023 इट विल बी 236 बिलियन यूएस डॉलर। इसे ऊपर भी जा सकता है, मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा कैलकुलेशन है। और अभी वर्कफोर्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। वर्कफोर्स मींस कितना डिस्ट्रीब्यूटर या कितना मेंबर्स इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, तो आपको और मुझे डायरेक्ट सेलिंग ताकत क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई अच्छा इंडस्ट्री नहीं है, अगर इसका कोई फ्यूचर नहीं है, हमें इसमें टिके रहना अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी आदमी DXN मेंबर है, अगर बहुत मेहनत करने के बाद पता चल गया है इस इंडस्ट्री में ज्यादा फ्यूचर नहीं है, क्या करेगा? तो इसलिए इस इंडस्ट्री में फ्यूचर है करके आपको सारे जानकारी इकट्ठे करना बहुत जरूरी है। इधर के बारे में जो अगर मेंबर्स के बारे में अगर बात करेगा, एशिया में 69.7 मिलियन कस्टमर्स है, कस्टमर यू कैन से मेंबर्स और डिस्ट्रीब्यूटर। कितना आप बोल सकते हैं एक बार? कितना? 69.7 मिलियन। कितना एक बार हाथ रेस कीजिए, रेस योर हैंड भाई, छोटा नंबर नहीं है। एशियन कंट्री में टोटल मिला के 69.7 मिलियन कस्टमर्स है, मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अमेरिका में 31 मिलियन कस्टमर्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मेंबर्स है। यूरोप में 14.4 मिलियन है, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में या यू कैन से सारे गल्फ कंट्री में 3.3 मिलियन कस्टमर्स है। तो आपके लिए मौका कितना बड़ा है आप देखो भाई, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में 3.3 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उसमें से एक 1 मिलियन हमारा कस्टमर्स है, DXN का कस्टमर्स है। वाओ, वंडरफुल। उसमें से 1 मिलियन DXN का कस्टमर्स है अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में। टोटल अगर देखे जाए तो 118.4 मिलियन कस्टमर्स है, उसमें 110 वी गॉट 10 मिलियन कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब। DXN got 10 million customers across the globe. 118 million में 10 million हमारा है, 10 million DXN का है भाई। DXN का आप शेयर देखो, DXN का कस्टमर बेस देखो, आपको प्राउड होना चाहिए। DXN कितना बड़ा कंपनी है, कितना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आर यू एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड है एक बार हाथ ऊपर कीजिए, एक बार रेस योर हैंड। वंडरफुल, 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 वंडरफुल। आपको है ना ये जो
प्रेजेंटेशन मैक्सिमम कितना लोगों तक पहुंच सकता है, पहुंचा सकता है, उधर तक का पहुंचाने का है। अभी हमें देखना है व्हाट व्हाई एंड हाउ। डायरेक्ट सेलिंग का इंपॉर्टेंस के बारे में मैं बात कर रहा था, अभी ये क्या है थोड़ा सा उसके बारे में हम सोचेंगे और क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज वेरी वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक फैक्ट्री चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए, वो लेने के लिए कस्टमर चाहिए। आप देखो आपका सामने कुछ भी रखेगा, जैसे मेरा हाथ में एक मोबाइल फोन है, मेरा हाथ में एक माउस है, ये कोई भी प्रोडक्ट है, ये प्रोड्यूस करने के लिए एक मैन्युफैक्चर चाहिए, एक फैक्ट्री चाहिए। आपका हाथ में एक सैनिटाइजर होगा, मेरा हाथ में एक सैनिटाइजर है, ये सारे चीज, कुछ भी चीज आपका हाथ में है, आपका घर पे है, आपका कंपनी में है, वो प्रोड्यूस करने के लिए एक मैन्युफैक्चर चाहिए, एक फैक्ट्री चाहिए। प्रोड्यूस करने के बाद कस्टमर तक पहुंचने के लिए उसका एक मीडिया चाहिए। अभी हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग, अभी जो एक्सिस्टिंग मीडिया क्या है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल सेलिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस। उस मीडिया में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे मीडिया का थ्रू मैन्युफैक्चरिंग वाला जो प्रोडक्ट है कस्टमर के हाथ में पहुंचता है। मे बी आपका पड़ोस में फैक्ट्री हो सकता है, बट वो फैक्ट्री से प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं पहुंचता है, वो फैक्ट्री से नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा, रिटेल आउटलेट में जाएगा, इसके बाद प्रोडक्ट आपके हाथ में पहुंचेगा। इसका मतलब एक बहुत बड़ा चेन है, इस चेन का थ्रू जब तक नहीं गुजरेगा तब तक आपके हाथ में प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है। ये चेन का थ्रू प्रोडक्ट जाने के लिए उसका आपस में 70% ऑफ द MRP बांटा जा रहा है। 70% MRP का 70% है ये जो बिचौलिया का बीच में बांटा जा रहा है। माई गॉड, इसका मतलब जो 30% का जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल 100 धर्म का एक प्रोडक्ट है, वो 30 धर्म का है इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट, आपका हाथ में पहुंचते पहुंचते वो 100 धर्म हो जाता है। इसका मतलब आपका हाथ से 70 धर्म किसके पास जा रहा है, ये जो बिजनेस क्लास पीपल है, सो कॉल्ड बिजनेस क्लास पीपल है, उनका हाथ में जा रहा है। उनका परसेंटेज पूरा दुनिया में 5% है, जो कंज्यूम करने वाला कस्टमर्स का जो परसेंटेज 95% है। इसका मतलब क्या है, 95% कस्टमर अपना जो इनकम का 70% हमेशा 5% लोगों को देते जा रहे हैं, 5% लोगों को देते जा रहे हैं, समझ लो। इसका एक जस्ट ऑपोजिट मॉडल है, ये जो बीच में जो बिचौलिया है और एडवर्टाइजमेंट है उसको हटा के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली कस्टमर को पहुंचाने के एक सिस्टम है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग का जो हिस्ट्री को कितना साल पुराना है, 150 साल पुराना है, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, उसका डेटा भी मैंने आपको दिखा दिया। वो 150 साल पुराना जो एक इंडस्ट्री है उसका जो सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग से थोड़ा सा हटके है, बट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, सॉरी ट्रेडिशनल से थोड़ा सा हटके है। ट्रेडिशनल कंपनी, ट्रेडिशनल बिजनेस कभी नहीं चाहता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अच्छा बूम हो। कारण क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बूम होगा, जो 95% कस्टमर के पास प्रॉफिट जाएगा, और ट्रेडिशनल मार्केट में जो बिजनेस कर रहे हैं उनका प्रॉफिटेबिलिटी धीरे 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 कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग मींस बीच में जो बिचौलिया का हटा के, एडवर्टाइजमेंट को हटा के प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर का हाथ में जा रहा है, कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर का काम है ये आगे रेफर करना है, मौखिक प्रचार से लोगों तक पहुंचाना है। आपको मालूम है डीएक्शन में वही कर रहे हैं, बट फिर भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस एक रियल बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग भी एक हार्डकोर बिजनेस है। अभी से किसी को भी है ना शर्म होने का जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन जो कर रहे हैं वही काम आप भी कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फर्क है, आपने पूंजी नहीं लगाया, डॉक्टर डॉक्टर लिम सियोजिन ने पूंजी लगा के रखा है। सबसे बड़ा टेंशन क्या है हमारा माइंड में, क्या है, हमने तो ज्यादा पैसा तो नहीं लगाया भाई, ये बिजनेस कैसे हो सकता है, क्योंकि बिजनेस का ये कंसेप्ट हमारा माइंड में होता है बहुत ज्यादा पूंजी लगाना है, जमीन चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, स्टाफ चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ये सारे चीज इकट्ठा कर रहे हैं तो बिजनेस करके हमारा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट दूर हो गया। इसलिए मेरा जो सब्जेक्ट का नाम मैंने डाला, दिस इज द न्यू एरा ऑफ बिजनेस। अभी तक जो ट्रेडिशनल सोच था लोगों का माइंड में, ट्रेडिशनल बिजनेस का सोच था, अगर कोई ग्रोसरी शॉप ओपन करने एक 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 प्रीमिसेस आपको रेंटल पे लेना है, उधर आपको रैक्स बनाना है, सामान रखना है, उधर बैठना है, सामान बेचना है, वो कंसेप्ट अभी खत्म हो गया, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। वो कंसेप्ट अभी भी है, बट धीरे धीरे उस कंसेप्ट चेंज होके एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में, न्यू एरा बिजनेस मॉडल में, डायरेक्ट सेलिंग में ये भी आएगा, ऑनलाइन सेलिंग भी आएगा, क्योंकि उधर कोई शोरूम आपको ओपन करने का जरूरत नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड,
तो दिस इज अ न्यू एरा बिजनेस. डायरेक्ट सेलिंग में कोई मीडिएटर का जरूरत नहीं है. मीडिएटर का बिना प्रोडक्ट आपका हाथ में पहुंचेगा, उसका प्रॉफिट भी आपका हाथ में पहुंचेगा. पहले आप ग्रोसरी शॉप में जाके परचेसिंग करता था, वहां से कोई प्रॉफिट अभी तक आपको नहीं मिला. जिंदगी भर परचेस करता था, कभी भी आपको एक दरम प्रॉफिट नहीं मिला. बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर परचेस के ऊपर, हर आदमी परचेस करने पर, आपका कस्टमर परचेस करने पर आपको उसका प्रॉफिट आएगा. उसका कारण क्या है, ये पहले जो प्रॉफिट जाता था उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आपका हाथ में आएगा. पहले प्रॉफिट किधर जाता था, मिडिल क्लास लोगों के पास और एडवर्टाइजमेंट लोगों का हाथ में जाता था. अभी ये सारे जो प्रॉफिट है आपका हाथ में भी आना चालू हो जाएगा. दैट मींस दिस इज अ न्यू एरा बिजनेस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. आपको एक समझना है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. यू आर विद द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेटफॉर्म इन दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. मैं हमेशा हर ट्रेनिंग में बताता है, जो इंडस्ट्री आपका हाथ में मिला है छोटा मोटा नहीं है. इट इज अ बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट करियर, बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड. आपको जब तक वो समझ नहीं आएगा तब तक आप इसमें कामयाब नहीं होगा. अगर आपको समझ में आ रहे तो हाथ रेस कीजिए. सर मेरे को सुन पा रहे ठीक से? वंडरफुल वंडरफुल वेरी गुड. अभी हम दो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे. जब आप डीएक्सएन डेवलप करेगा, डीएक्सएन में एक्चुअली टू प्रोडक्ट है. कौन सा प्रोडक्ट है? वेलनेस प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटी है. डीएक्सएन काउंटर में जाए तो 50-55 प्रोडक्ट आपको मिलेगा. मलेशिया में 100 प्लस प्रोडक्ट है. बट मैं इसको ब्रॉडली जो डिवाइड किया है, डीएक्सएन में सिर्फ दो प्रोडक्ट है. कौन सा है? दो प्रोडक्ट कौन सा है? एक तो वेलनेस प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज वन प्रोडक्ट. सेकंड प्रोडक्ट इज अपॉर्चुनिटी. दैट मींस हेल्थ एंड वेल्थ, दीज आर द टू अपॉर्चुनिटी, टू प्रोडक्ट. हेल्थ इज वन प्रोडक्ट, वेल्थ इज द सेकंड प्रोडक्ट. अभी आपको ये याद रखना है, आपका जो दो प्रोडक्ट है हेल्थ एंड वेल्थ, ये दोनों दो इंडस्ट्री को रेफर कर रहे हैं, दो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट मींस आपका हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका मतलब क्या है, जब आप इस इंडस्ट्री में डीएक्सएन में जब कामयाब होगा, आपका कौन सा चीज, कौन सा इंडस्ट्री में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं मालूम है क्या? वेलनेस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिजिटल इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं. 5-6 रेवोल्यूशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जब डीएक्सएन करेगा, क्योंकि डीएक्सएन एग्रीकल्चर का बिना प्रोडक्ट तो नहीं बेच सकते है ना. डीएक्सएन का पास भी एग्रीकल्चर है. डीएक्सएन प्रोडक्शन का बिना प्रोडक्ट डीएक्सएन किसी को नहीं दे सकते. डीएक्सएन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अडॉप्ट किया हुआ है. तो हमारा जितना भी प्रोडक्ट ऑनलाइन में बिक रहे, आप लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे, इसका मतलब यू आर पार्ट ऑफ आईटी रेवोल्यूशन ऑल्सो. इसका मतलब 5-6 रेवोल्यूशन का पार्ट है आप. बाकी कोई भी काम करने पे 5-6 रेवोल्यूशन का पार्ट आप नहीं बन सकता है. जब डीएक्सएन करने पे आप 5-6 रेवोल्यूशन, 5-6 इंडस्ट्री का पार्ट बन जाता है. वो कौन सा इंडस्ट्री है? वेलनेस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डिजिटल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये सारे रेवोल्यूशन का, सारे इंडस्ट्री का पार्ट बन जाता है. उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी आपका हाथ में पहुंचता है भाई. तो आपको अगर समझ में आ रहा है हाथ रेस कीजिए, सो दैट मैं समझ सकता है आपको समझ में आ रहा है. वंडरफुल वंडरफुल एक्सलेंट. अगर एक डेटा देखेगा, अगर पूरा दुनिया में कौन सा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा चलता है, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, होम केयर, हाउस होल्ड, वेलनेस, बुक एंड टॉयज, फूडस्टफ एंड बेवरेजेस, होम इम्प्रूवमेंट, यूटिलिटीज, फाइनेंशियल एंड अदर्स. अगर ऐसे देखेगा उसमें सबसे टॉप में 33% and 35% में जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर एंड दूसरा वेलनेस. डीएक्सएन का प्रोडक्ट कौन सा भाई? ये दोनों कैटेगरी में आता है, वेलनेस कैटेगरी में आता है, पर्सनल केयर कैटेगरी में आता है. इसका मतलब क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को जो बेच रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा बेचने वाला जो प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा चलने वाला जो प्रोडक्ट है, ये दो सेगमेंट है, दैट इज कॉस्मेटिक, पर्सनल एंड वेलनेस. डीएक्सएन बहुत सोच समझ के 30-35 साल पहले से डॉक्टर डॉक्टर लिम सियोजिन ये दो सेगमेंट को चुन लिया. आज भी इसका इंपोर्टेंस देखो, आने वाला 100 साल के बाद भी इसका इंपोर्टेंस आप देखो, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट का कभी भी डिमांड कम नहीं होने वाला है.
इससे पहले दो प्रोडक्ट बोला था, वेलनेस इंडस्ट्री एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रश्न करके, एक तो वेलनेस प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, दैट मींस हेल्थ एंड वेल्थ, आप लोग हेल्थ एंड वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों प्रोडक्ट आने वाला 100 साल तक कभी 1% भी कम नहीं होने वाला है। जब तक लोग जिंदा है तब तक हेल्थ के लिए वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, जब तक के लोग जिंदा है तब तक एक अपॉर्चुनिटी का तलाश में होगा। तो ये दोनों चीज आपका दोनों हाथ में है, पूरा दुनिया के लिए दो प्रोडक्ट चाहिए, ये दोनों प्रोडक्ट आपका हाथ में है। सिर्फ एक ही पॉइंट है, आप लोगों तक पहुंचने का है, लोगों तक जाने का है, डीएक्शन का अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने का है। आर यू रेडी? यस, वेरी गुड। अभी हम देखो, बहुत बार क्या होता है, जब डीएक्शन प्रोडक्ट लेके आप जाता है, लोग अलग अलग कमेंट्स आपको देता है। कमेंट्स क्या बोलते हैं, भाई ये चलने वाला नहीं है, ये मैंने पहले सुना है, ऐसे कुछ कंपनी आया गया है, ये सारे चीज के बारे में आप सुनता है। बट लोग आपका पड़ोस वाला क्या बोलता है, आपका दोस्त क्या बोलता है, आपका रिलेटिव क्या बोलता है, वो मान्य नहीं रखता है। जो पूरा दुनिया में बिग पीपल, बिग शॉट्स क्या बोलता है वो आप देखो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जैसे बिल गेट क्या बोल रहे हैं, पोल साने पिल्सर क्या बोल रहे हैं, बिल क्लिंटन क्या बोल रहे हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, शिवगेरा क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, अगर आपको पता चल गया है आप हैरान हो जाएगा। रियली आई एम टेलिंग, शिवगेरा ही इज अ वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर ऑथर। उनका एक बुक है, यू कैन सेल यू कैन विन, देर इज ए बुक, एंड देर इज वन मोर बुक विच इज कॉल्ड यू कैन सेल, विच इज पब्लिश इन 2010। उसमें एक चैप्टर में इन्होंने लिखा हुआ है, अगर मुझे एक और जिंदगी मिलेगा अर्ली एज में, 18 साल में मैं चुनेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसका बुक में लिखा हुआ है। कितना बड़ा एक्सपीरियंस वाला आदमी है, वो मोटिवेशन स्पीकर है, मिलियंस ऑफ उसका वेल्थ है, बहुत बड़ा रिच आदमी है। वो रिच आदमी इंश्योरेंस बेचने से जो अपना काम शुरुआत किया, वहां से मोटिवेशन स्पीकर बन गया। बहुत बड़ा पैसा लेता है एक डेढ़ घंटा का स्पीच के लिए। वो आदमी अभी क्या बोल रहे हैं, उनका बुक में लिखा हुआ है, विच इंडस्ट्री, विच बिजनेस, विच करियर, कौन सा करियर वो चुनेंगे अगर उसको एक और जन्म मिलेगा। वो क्या बोल रहे हैं, आई हैव रेस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एवरीबडी, बट अर्ली एज आई विल चूज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये उसका बुक में लिखा हुआ है, यू कैन सेल करके एक बुक है, 2010 में जो रिलीज किया है, एक बार वो लेके आप पढ़ लो। उसमें लिखा हुआ है, अर्ली एज में 18 साल से पहले मैं अगर कोई इंडस्ट्री चुनेगा, मैं कोई करियर चुनेगा, वो करियर कौन सा होगा, वो डायरेक्ट सेलिंग करियर होगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर, वर्ल्ड रिनाउंड मोटिवेशन स्पीकर, मिस्टर शिवगेड़ा। ये हमारा ऑफिस का पिक्चर है जो मैं दिखा रहा है, हमारा जो करामा ऑफिस में सर आया था, मैं 2-3 स्पीच मिस्टर शिवगेड़ा का मैंने सुना है। उनका जो राय क्या है, उसका ओपिनियन क्या है, अर्ली एज में अगर उसको एक और जन्म मिलेगा, वो कौन सा प्रोफेशन चुनेंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन है। भाई इसका मतलब क्या है, हम लोग जो आया हुआ है, जो प्रोफेशन है, जो करियर है, इट्स नॉट अ स्मॉल वन, इट इज अ वेरी रिकग्नाइज्ड प्रोफेशन। रॉबर्ट कियोसाकी भी क्या बोलता है, एक आम आदमी को एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भी क्या बोलता है, इट इज अ बेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इट इज अ बेस्ट मॉडल इन द वर्ल्ड, ही इज अ करंट प्रेसिडेंट ऑफ USA। भाई लोग, अभी भी अगर आप आंखों नहीं खोलेगा, कब खोलेंगे? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इट इज अ ग्रेट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरा जो आपको है ना, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के लिए इंतजार नहीं करना है, मेरा जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक बार और दो बार और तीन बार वो बार बार देख लो, इसके बाद समझो, समझने के बाद बी सीरियस, आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट जो मिला, जो डीएक्शन कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में, बहुत अच्छा कंपनी है। आपको ये रियलाइजेशन करने का है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा जो आशा है, आप सब लोग समझ के बहुत सीरियसली इस बिजनेस को डेवलप करेंगे। क्योंकि देखो, जॉब में अगर आप देखेगा, इस तरह का ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल में सबसे टॉप में कौन होता है, एक सीईओ होता है, एंट्री लेवल में बहुत ज्यादा लेबरर्स एग्जीक्यूटिव होता है, मिडिल मैनेजमेंट में भी कम लोग होता है, टॉप मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही आदमी होता है। तो कोई कंपनी में मान लो आप एंट्री लेवल में घुस गया, अगर आपको सीईओ बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक ही पोजिशन है,
सीईओ बनने के लिए मान लो आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर एजुकेशन है, आप एक्सपीरियंस्ड है, फिर भी आप सीईओ नहीं बन सकते, क्योंकि सीईओ बनने के लिए आप कोशिश करके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपको किक मार के दूसरा आदमी सीईओ बनेगा। आपको मालूम है जो नौकरी में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलता है, हर कंपनी में किसी से भी आप पूछ लो, उधर जो सीनियर का जूनियर का सबका पॉलिटिक्स चलता है, आपका ग्रोथ कोई नहीं चाहता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है अपना अपना ग्रोथ के लिए वो चाहता है, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट, वो नौकरी होता है। नौकरी में कभी भी आपका ग्रोथ के लिए कोई आपको पुश नहीं करेंगे, आपको अपना आपको पुश करना पड़ेगा। बट इसका जस्ट ऑपोजिट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक बार के लिए आप दूसरा ट्रायंगल देखो, दिस इज जस्ट रिवर्स पिरामिड। पहले भी मैंने एक पिरामिड आपको दिखाया, इसका जस्ट ऑपोजिट पिरामिड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप नौकरी में है तो दूसरा वाला पिरामिड, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो इस तरह का पिरामिड। ये पिरामिड क्या है, उल्टा पिरामिड है। उल्टा पिरामिड में एंट्री लेवल में कोई भी एंट्री कर सकता है, वैकेंसी अनलिमिटेड है। क्राउन एम्बेसडर अभी 2-3 क्राउन एम्बेसडर पिछले महीने हमारा जो डीएक्सएन मिडिल ईस्ट में हुआ, इन ए मंथ 3 क्राउन एम्बेसडर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्राउन एम्बेसडर का वैकेंसी लिमिटेड नहीं है। अगर जुलाई तक डॉक्टर डॉक्टर लिम्स योजन बोलेंगे क्राउन एम्बेसडर का सीट खत्म हो गया तो आपके लिए कोई पोजीशन नहीं रहेंगे, तो डाटो डॉक्टर लिम्स योजन कभी भी नहीं बोलेंगे भाई क्राउन एम्बेसडर का पोजीशन खत्म हो गया। कारण क्या है, क्राउन एम्बेसडर का अनलिमिटेड पोजीशन है, पूरा दुनिया में कितना भी क्राउन एम्बेसडर बने डीएक्सएन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्राउन एम्बेसडर बनाने के लिए कितना प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए हम लोग तैयार है, इसलिए 1x1 फैक्ट्रीज हम बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि आपको क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए सेल्स चाहिए, वो सेल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। अगर काउंटर में प्रोडक्ट नहीं है आप कैसे मिलियनेयर बन सकता है, अगर काउंटर में प्रोडक्ट नहीं है आप कैसे स्टार एजेंट बन सकता है, अगर काउंटर में प्रोडक्ट नहीं है कैसे आप स्टार डायमंड बन सकता है, अगर काउंटर में प्रोडक्ट नहीं है कैसे आप क्राउन डायमंड बन सकता है। अगर आपको क्राउन डायमंड बनना है, आपको लगातार इनकम चाहिए, कंपनी का गोडाउन में प्रोडक्ट चाहिए, कंपनी में फैक्ट्री में प्रोडक्ट चाहिए, कंपनी का जो एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए, कंपनी का फैक्ट्री अच्छा होना चाहिए, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कंपनी का काउंटर में इनफ प्रोडक्ट होना चाहिए। हम आपको वादा करता है पूरा दुनिया में जितना भी काउंटर है उधर कभी भी कोई भी काउंटर में प्रोडक्ट का कोई कमी नहीं है, ये हमारा वादा आपसे है, आपका वादा होना चाहिए। आप जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनके दिखाएंगे, आर यू रेडी? आपका वादा होना चाहिए, हम क्राउन एम्बेसडर बनके दिखाएंगे। सर आप लोग अपना प्रोडक्ट संभाल के काउंटर पे रखो, हम तैयार है। आप लोग हमें बोलना चाहिए सर हमारा इनफ प्रोडक्ट होना चाहिए, हम आपको वादा करता है पूरा दुनिया में कोई भी ब्रांच से जाके प्रोडक्ट आपको लेना है उसके लिए कुछ कुछ कंट्री में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करने के लिए डीएक्सएन कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं आपका जो कमिटमेंट देना चाहता हूं, डीएक्सएन हर कंट्री में अनएंडिंग प्रोडक्ट, दैट मीन्स डिस्ट्रक्टेड प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन में देने के लिए, दैट मीन्स काउंटर पे देने के लिए कभी भी इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा प्रोडक्ट पहुंचने के लिए। आपको प्रोडक्ट लगातार पहुंचाने के लिए कोशिश कंपनी करता है, ये प्रोडक्ट अगर पहुंचेगा काउंटर में तब जाके आप क्राउन एम्बेसडर और स्टार एजेंट बन सकते भाई। अगर प्रोडक्ट नहीं है काउंटर पे कैसे पीवी डालेंगे आप सोच के देखो। तो इसलिए अनलिमिटेड वैकेंसी है, आप कितना भी लोग क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कोशिश करेगा आपके लिए पोजीशन अनलिमिटेड है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है, रिवर्स पिरामिड है, नौकरी जैसे नहीं है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? वंडरफुल वंडरफुल ग्रेट। वाई नेगेटिविटी अगर इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लोग नेगेटिव क्यों बोलता है? देखो आप प्रोजेक्ट लेके डीएक्शन लेके आप किसी के पास जाएगा, लोग नेगेटिव बोलता है नहीं बोलता है, 100% बोलता है। उसका कारण क्या है, कोई भी मैंने रेवोल्यूशन के बारे में शुरुआत में इसलिए दिखाया था, 73 ईयर ओल्ड आईटी रेवोल्यूशन जब शुरुआत हो गया था एशियन कंट्री में, कोई भी इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लोगों को आदत क्या है, पहले उसको स्वीकार नहीं करता। कोई भी चीज आएगा वो ऑब्जेक्ट करेंगे, अपोज करेंगे, वो कोशिश करेंगे ना आए, क्योंकि उसका आदत नहीं है। एक बदलाव, एक पैराडाइम शिफ्ट, उसके लिए वो तैयार नहीं होता है, वो पोस्ट करता है, वो मैक्सिमम कोशिश करेगा ये ना आए। कोई भी कंपनी में आप सोचो, कोई भी नया सिस्टम आएगा, सारे एम्प्लॉयज उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, अपोज करेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये नहीं चाहिए, हमें मालूम नहीं है कैसे करना है। तो सेम थिंग मार्केट में एक सिस्टम आया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसके बारे में हम जो स्प्रेड करना चालू किया, हम शेयर करना चालू किया, लोगों के पास उसके बारे में जानकारी नहीं है भाई। अगर जानकारी है तो भी वो नेगेटिव जानकारी है। तो हमारा काम क्या है, लोगों तक जानकारी पहुंचाने का,
डायरेक्ट सेलिंग इज एन इंडस्ट्री, इट्स अ रेवोल्यूशन। कार फ्रेश होता है, कोई भी इंडस्ट्री 30, 40, 50 साल, 100 साल में लास्ट स्टेज में आता है, नॉर्मल फेज में आता है। पहले उसका फेज होता है नेगेटिव फेज, इसके बाद होता है ग्रोथ फेज, इसके बाद होता है कॉम्पिटिशन फेज, इसके बाद होता है नॉर्मल फेज। जब आप समझो, हम सब लोग नेगेटिव फेज में अभी भी, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस अभी भी ज्यादा चल रहे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उतना नहीं चल रहे, इसलिए इसके बारे में जानकारी लोगों के पास कम है। हमारा काम है एक एक आदमी को जानकारी पहुंचाते रहो, सो दैट वो आदमी क्या करेगा, आपका मेंबर बनेगा, आपका लीडर बनेगा, धीरे 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 उनका माइंड में जो डार्कनेस है, उसके पास जो लैक ऑफ नॉलेज है, वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे, आपका मेंबर बढ़ते जाएंगे, आपका लीडर्स बढ़ते जाएंगे, आपको मैक्सिमम इनकम भी बढ़ते जाएंगे। आपका काम क्या है, जब नेगेटिव फेज से ग्रोथ फेज, कंपटीशन फेज में जाएगा, घर पे बैठ के आपको एंजॉय करने का है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एक इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, एक ही करियर पूरा दुनिया में है, सिर्फ एक ही करियर दुनिया में है जहां आफ्टर समटाइम, कुछ समय के बाद, आप बिना कोई इन्वॉल्वमेंट इनकम एंजॉय कर सकते हैं, रेसिडुअल इनकम एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा बहुत लीडर्स है, आप उन लीडर्स से पूछो भाई अभी आप क्या करता है, वो 6 महीने 1 साल से शायद उनका घर पे होगा, अपना मुल्क में होगा, क्योंकि उन्होंने लीडर्स क्रिएट किया है। ये मत सोचने ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी, उन्होंने शुरुआत में क्या किया, उनसे पूछो अभी क्या कर रहे हैं, वो बताएंगे अभी मैं रेस्ट कर रहे हैं। उनसे ये भी पूछो भाई शुरुआत में आपने क्या किया, शुरुआत में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उन्होंने दिन रात मेहनत किया है, फील्ड में भाग दौड़ किया है, लोगों से मिला है, 10 लोगों से मिला है तो एक आदमी हाँ बोलता है, कभी 20 लोगों से मिलने पे एक आदमी हाँ बोलता है, उन्होंने कभी हार नहीं माना, डेली बेसिस में लोगों से मिला, 10 लोगों से, 20 लोगों से, 30 लोगों से मिला, 50 लोगों से मिला, ज्यादा ना सुना, इसके बावजूद भी उन्होंने हार ना मान के एक एक मेंबर बना दिया, वो मेंबर को बार बार बैठक करके उसको नॉलेज दे दिया, नॉलेज देने के बाद उसको लीडर बना दिया, इसके बाद अभी वो रेस्ट ले रहे। आप ये नहीं सोचने का यार मेरा लीडर तो नहीं आ रहा आजकल, वो लीडर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने जितना काम 20 साल करने का, 30 साल करने का, 10 साल करने का, वो 4 साल में करके अपना रेसिडुअल इनकम अभी कमा रहे भाई। तो इसीलिए अगर आपको भी वो रेसिडुअल इनकम चाहिए, उन्होंने उस समय जो 3 साल किया वो काम आपको 3 साल में करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करने पर आपको रिजल्ट नहीं आएगा, ज्यादा ग्रेट एफर्ट, मासिव एफर्ट आपको मार्केट में करना पड़ेगा, फील्ड में करना पड़ेगा, इसके अलावा कभी भी आपको बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर हियर, आपको अपना आपसे सवाल पूछना है, मैं इंडस्ट्री में क्यों, बीएक्स में क्यों, किसी ने धक्का देके मेरे को शायद डाला होगा, नो प्रॉब्लम आपको किसी ने धक्का देके डीएक्शन में डाला होगा, बट अभी आप देखो डीएक्शन का ये जो सारे अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, इतना बड़ा कंपनी होने के बाद, इतना बेहतरीन मौका होने के बाद भी अगर आपने खुद रियलाइज नहीं किया है आप क्यों डीएक्शन में है, आपका बिजनेस चलने वाला नहीं भाई। अगर आपको आंसर है व्हाई यू आर हियर, प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपका इसका जो आंसर जब तक आपको इसका आंसर नहीं मिला तब तक डीएक्शन में आप कामयाब नहीं होने वाला है। अगर इसका आंसर आपको मिला, डीएक्शन में कामयाब होने के लिए आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है, कोई भी स्टॉप आपको नहीं कर सकता है। सिर्फ एक ही फर्क है, जो कामयाब लोगों और नॉन कामयाब लोगों का बीच में एक ही फर्क है, जो कामयाब लोग है वो लोग क्या किया है, ये जो रियलाइज किया है वो क्यों डीएक्शन में है। कामयाब नहीं हुआ ऐसे लोग है, उन्होंने कभी रियलाइज नहीं किया है क्यों मैं डीएक्शन में, उसको मालूम ही नहीं है, वो सोचता है कॉफी पीने के लिए डीएक्शन में आया, कॉफी पियो नो प्रॉब्लम, बट कॉफी पीने के साथ साथ आपको क्या करना है, आप क्यों इस इंडस्ट्री में है, आप क्यों डीएक्शन प्लेटफॉर्म में आया, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी है तो आप कामयाब हो सकता है। आर यू रेडी? एनीवे, व्हाई यू आर हियर, इसका आंसर ढूंढने के लिए मैं आपको मदद करता हूं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के एक बहुत फेमस एनालिसिस है, दैट इज कॉल्ड अ कैश फ्लो एनालिसिस। रॉबर्ट टी कियोसाकी का मेरा लाइफ में बदलाव आया, रॉबर्ट टी कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद मेरा सोच में फर्क आ गया, रॉबर्ट टी कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद मेरा सोच में फर्क आ गया, रॉबर्ट टी कियोसाकी का दी बिजनेस स्कूल करके एक अच्छा बुक है वो पढ़ने के बाद मेरा सोच में फर्क आ गया,
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो डेप्थ एंड विड्थ, कितना कितना बढ़िया मौका है, कितना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मेरे को जो समझ में आ गया दी बिजनेस स्कूल करके रॉबर्ट कियोसाकी का एक बुक है, वो पढ़ने के बाद मेरे को पता चल गया। इसके बाद मैंने और भी बुक्स पढ़ा, और भी वीडियोस देखा है, और भी मैंने स्टडी किया है, तब मेरे को पता चल गया पूरा दुनिया में सबसे बेस्ट करियर, बेस्ट प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसके साथ एसोसिएट करना चाहिए, मेरे को पता चल गया है। ये रॉबर्ट कियोसाकी की एक एनालिसिस है, पूरा दुनिया में 95% लोग लेफ्ट साइड में है और 5% लोग राइट साइड में है, और पूरा दुनिया का जो पैसा का अगर कैलकुलेशन करेगा सिर्फ 5% डॉलर लेफ्ट साइड में लोगों के पास है और 95% जो पैसा है जो 5% पॉपुलेशन का हाथ में है। उसका वजह क्या है? तीन रीजन का वजह से लोगों के पास 5% लोगों के पास ज्यादा पैसा है, वो टीम वर्क से काम करता है, अनलिमिटेड इनकम आता है, पासिव इनकम आता है। बट लेफ्ट साइड में 95% आम आदमी, जो हम बोलते हैं आम आदमी क्या करता है, वो लोग रोज मेहनत करता है, रोज पैसा कमाता है, इंडिविजुअल अकेला मेहनत करता है और एक्टिव इनकम, जब तक जिंदा है तब तक वो काम कर सकता है और जब तक काम करेगा तब तक इनकम आएगा, जिस दिन काम छोड़ दिया उस दिन उसका इनकम रुक जाएगा। दैट इज वाई इनके पास सिर्फ 5% इनकम है। राइट साइड का जो बिजनेस क्लास पीपल है और इन्वेस्टर्स, उन्होंने एक टीम खड़ी किया है, वो सोने के टाइम में भी वो टीम काम कर रहे हैं, उसका पैसा आ रहा है, इन्फिनिटी अनलिमिटेड इनकम आ रहा है और पासिव इनकम आ रहा है। अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं आप क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, क्यों डीएक्सएन में है, आपको यह जवाब देना है मेरे को लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है, रॉबर्ट कियोसाकी का जो लेफ्ट क्वाड्रेंट से मेरे को राइट क्वाड्रेंट जाना है, मेरे को भी एक बिजनेसमैन बनना है, मेरे को भी टीम से इनकम आना है, मेरे को भी अनलिमिटेड इनकम चाहिए, मेरे को भी रेसिडुअल इनकम, मेरे को भी पासिव इनकम चाहिए, इसलिए मैं डीएक्सएन कर रहा है। ये आंसर आपके पास होना चाहिए। अगर ये आंसर समझ में आ गया तो हाथ रेस कीजिए, रेस योर हैंड। वाओ, वंडरफुल। मैं एक बीच में एक अगेन मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, ये जो वीडियो आप कम मैक्सिमम शेयर कीजिए, फेसबुक में भी मैक्सिमम शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक एनर्जी पहुंचना चाहिए, एनर्जी के साथ वो सीरियस हो जाएगा, आपका टीम बिल्डिंग एक्टिविटी भी हो जाएगा, आपका नेटवर्क भी बड़ा हो जाएगा। Anyway, आपका जो आंसर होना चाहिए, व्हाई आई एम हियर, आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, मेरे को एक बिजनेसमैन बनना है, आपको एक बिजनेसमैन बनना है, ये आपका सोच, आपका ड्रीम होना चाहिए। अगर आप डीएक्शन में कामयाब होना है, आपको एक बिजनेसमैन बनने का ड्रीम आपको रखना पड़ेगा, अनलिमिटेड इनकम लेने का ड्रीम रखना पड़ेगा, रेसिडुअल इनकम लेने का ड्रीम रखना पड़ेगा। जिसके अंदर ये सारे ड्रीम नहीं है वो डीएक्शन के लिए काबिलियत नहीं है, डीएक्शन करने का काबिलियत नहीं है। आर यू रेडी? वेरी गुड। आप सुनाई दे रहे हैं ना? ठीक से सुनाई दे रहे हैं ना? इधर है। वाओ, वंडरफुल। यू कैन कमेंट ऑल्सो इफ यू आर एबल टू हियर प्रॉपरली, प्लीज कमेंट। आई एम सीइंग योर कमेंट, योर चैट आई एम सीइंग। वंडरफुल, ग्रेट। तो ये आंसर होना चाहिए, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने का आपका आइडिया होना चाहिए। तो मैं आगे जाता हूं, टू चेंज द क्वाड्रेंट, दैट शुड बी योर आंसर, व्हाई वी शुड ऑप्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगेन सवाल यह है यार, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करना है, बाकी कुछ नहीं करने का? बाकी में इतना दम नहीं है क्या? बाकी में रेसिडुअल इनकम नहीं मिलेगा क्या? भाई मिलने का चांसेस कम है भाई। मैं आपको एक कैलकुलेशन के साथ आपको लिवरेज इनकम में आपको दिखाता हूं। एक आदमी नॉर्मली जो काम करता है एक साल 50 वीक्स में, एक हफ्ते में मान लो कितना अवर्स है, 40 अवर्स है, 50 × 40 मीन्स 2000 अवर्स। तो 2000 अवर्स पूरा साल में आप काम करता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरा लाइफ में आप कितना घंटा काम करता है? 80,000 घंटे, सॉरी 2000 अवर्स एक साल में है, तो 40 साल का नौकरी करता है। मान लो 25 साल में आप नौकरी स्टार्ट किया है, 60-65 में आपको रिटायरमेंट करना पड़ेगा, 65 में अगर रिटायरमेंट करेगा तो भी 80,000 से ज्यादा आवर्स आप काम नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर डीएक्सएन में आपको 2000 डिस्ट्रीब्यूटर एक घंटे में काम किया, 40 दिन के अंदर आपका 80,000 आवर्स हो जाएगा। पूरा लाइफ में कितना वो कितना लाइफ में 40 इयर्स ऑफ योर लाइफ काम करने पे आपका 80,000 आवर्स हो रहा है। इधर आप कितना दिन में 40 डेज में, अगर 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है 40 डेज में
अगर वो एक एक घंटा काम, दो घंटा काम करे तो 40 डेज का जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना, तो आपका 80,000 आवर्स हो जाए। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में जब आप काम करेगा आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका एबिलिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका स्किल मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका एजुकेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, हर चीज मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो आपके साथ 10 मेंबर है, वो 10 मेंबर के पास गाड़ी है, वो गाड़ी यूज करके बिजनेस के लिए निकल पड़ा है, आपके लिए बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। आपके पास 10 मेंबर है जिसका जो अच्छा एजुकेशन है, वो अच्छा एजुकेशन लेके मार्केट में घुस के अच्छा काम करेगा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा क्या? दैट मींस अदर्स मनी, अदर्स एबिलिटी, अदर्स स्किल, अदर्स एजुकेशन आप यूज कर सकता है, आप लिवरेज कर सकता है, अदर्स टाइम आप लिवरेज कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ये दूसरा कोई इंडस्ट्री में, दूसरा कोई करियर में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया, रेस योर हैंड। वाओ, सो मेनी पीपल आर रेसिंग देयर हैंड, वंडरफुल। हाउ COVID-19 विल हेल्प यू टू डेवलप योर बिजनेस, ये कौन सा सवाल है भाई? हाउ पीपल आर एक्चुअली, लोग डर के बैठा है, कोविड से डर के बैठा है लोग। हम सवाल पूछ रहे हैं COVID-19 कैसे आपको मदद करेंगे, कैसे मदद करेंगे आप बता सकते हैं क्या? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस जो करने वाला, डीएक्शन बिजनेस करने वाला लोगों को बिजनेस अभी बढ़ गया। पिछले महीने हमारा 3 क्राउन अम्बेसडर हो गया सऊदी से, 3 क्राउन अम्बेसडर इन मुंबई लॉकडाउन पीरियड में। इसका मतलब क्या है, लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस में, ट्रेडिशनल जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। वो लोग दो चीज के लिए हमारे पास आ रहे हैं डीएक्शन में, हेल्थ के लिए, क्योंकि हम पिछले 30 साल में हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर लिम सियोजिन 37 ईयर्स से बात कर रहे हैं, क्योंकि 83 से उन्होंने रिसर्च शुरू किया, 83 से लेके हर स्पीच में, हर बुक में उन्होंने लिखा है इम्यूनिटी के बारे में। पूरा दुनिया को 37 ईयर्स है, 37 साल से डीएक्सएन बात कर रहे हैं भाई, इम्यूनिटी बढ़ा दो, अच्छा हेल्थ मेंटेन करो, अच्छा हेल्थ मेंटेन करो। और अच्छा हेल्थ मेंटेन करेगा, कोई कोविड को टेंशन लेने का जरूरत नहीं, कोई वायरस बैक्टीरिया को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो 37 ईयर्स से हम बोल रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी हम दे रहे हैं। उसका सोल्यूशन अलग अलग प्रोडक्ट्स, बीवरेजेस, फूड सप्लीमेंट, फूड आइटम हम दे रहे हैं हमारा काउंटर के थ्रू। अभी कोविड पीरियड में सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो गया, अभी वो ढूंढेंगे डीएक्सएन प्रोडक्ट किधर किधर मिलेगा, तो नेचुरली आपका बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा बात क्या है, बहुत ज्यादा लोगों को नौकरी छूट गया, दैट मींस दे लॉस देयर जॉब, एंटायर वर्ल्ड, नॉट इन वन कंट्री, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंटायर वर्ल्ड। तो जितना भी लोग नौकरी गया है, जो जितना लोगों को नौकरी का प्रॉब्लम है, वो सारे लोगों से आप बात कर सकते हैं भाई, साइड बाई साइड आप डेवलप कीजिए। जिसको नौकरी गया उसको बोलो जब तक आपको नौकरी मिलेगा तब तक के लिए आप ये डीएक्शन बिजनेस सीरियसली डेवलप कीजिए, जब वो नौकरी मिलेगा साइड बाई साइड वो चलते रहेंगे, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, एक सेकेंड इनकम वो भी क्रिएट करेंगे। क्योंकि आने वाला टाइम में पूरा दुनिया में हर आदमी एक सेकेंड इनकम के बारे में सोचेंगे, इसलिए COVID-19 विल ऑल्सो हेल्प यू टू डेवलप और इम्प्रूव योर बिजनेस। समझ में आ गया, वेरी गुड भाई, हमारे हाथ में डीएक्शन है, डीएक्शन के लिए तालियां होना चाहिए, जहां बैठा है उधर बैठ के एक ताली दे दो, क्योंकि इट इज अ ग्रेट कंपनी इन द वर्ल्ड, इट्स अ ग्रेट कंपनी इन द प्लैनेट। क्योंकि हमारा जो फाउंडर सीईओ डॉक्टर लिम सियोजिन, ये बहुत बड़ा विशनरी है, ये आने वाला 100 साल 2 साल के लिए सोच के डीएक्सएन कंपनी बनाया, डीएक्सएन का जो सॉफ्टवेयर बनाया, डीएक्सएन का प्रोडक्ट बनाया, डीएक्सएन का मैनेजमेंट बनाया, इसका डीएक्सएन का जो कल्चर बनाया, ये सारे जो चीज जो हमारा डॉक्टर लिम सियोजिन ने जो बनाया, आने वाला 100 साल 200 साल तक चलने वाला कंपनी को जो खड़े किया है 1993 में, और डीएक्सएन अमंग द टॉप एमएलएम कंपनीज इन मेनी कंट्रीज। आपको मालूम है डीएक्सएन के बारे में ज्यादा सेशन नहीं दे रहे, मेरे को आज मेरा जो टारगेट था आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देने का, वो जो पावर देने का, आपको रियलाइजेशन देने का। बाकी मैं थोड़ा बहुत डीएक्सएन के बारे में भी बताता हूँ। डीएक्सएन अलग अलग कंट्री में, जैसे गल्फ में डीएक्सएन नंबर वन है, गल्फ कंट्री में डीएक्सएन इज द नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। देयर आर सो मेनी कंपनी, 10-15 कंपनीज है गल्फ में जो रजिस्टर्ड कंपनी की मैं बात कर रहा है, डीएसए में जो रजिस्टर्ड है, बट उसमें सबसे टॉप टर्नओवर है डीएक्सएन का, सबसे टॉप मेंबर्स है डीएक्सएन का।
तो गल्फ में डीएक्सएन नंबर वन है, इसे अलग अलग कंट्री में, बहुत ज्यादा कंट्री में डीएक्सएन नंबर वन है, पूरा दुनिया में अभी 15वां पोजिशन है, नंबर वन नहीं पहुंचा, बट अलग अलग एरिया में डीएक्सएन ऑलरेडी नंबर वन हो चुका है। आपको मालूम है मिडिल ईस्ट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, पूरा दुनिया बात करता है मिडिल ईस्ट के बारे में, मिडिल ईस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, लैटिन अमेरिका में ग्रो कर रहे, यूरोप में ग्रो कर रहे, साउथ अफ्रीका में ग्रो कर रहे, इंडिया में अच्छा ग्रो कर रहे, ऐसे करके सारे एरिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में डीएक्सएन ग्रो करते जा रहे हैं। आपको मालूम है डीएक्सएन का फैक्ट्री किधर किधर है, ये भी आपको मालूम है। डीएक्सएन का फैक्ट्री मलेशिया में है, चाइना में है, साउथ कोरिया में है, मेक्सिको में है, पोंडिचेरी में है, इंडिया में है, और बांग्लादेश में भी अभी अप्रूवल हो गया, सऊदी में अभी फाइनल होने वाला है, दुबई में फाइनल होने वाला है, ऐसे करके अलग अलग कंट्री में डीएक्सएन का फैक्ट्री भी हम चालू कर रहे हैं टू सपोर्ट यू। आप तैयार है क्या? डीएक्सएन तैयार है, आप तैयार है क्या? दैट इज अ क्वेश्चन। डीएक्सएन का जो मेंबर, आप लोग अगर तैयार है, हम आपका साथ है, आर यू रेडी? दैट इज अ क्वेश्चन। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट, बेवरेजेस एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी दैट हैज गोन थ्रू द test of time and the result. Great company, are great product, great management, great marketing plan. कितना program हो रहा है, कितना webinar हो रहा है, कौन सा leader आके आपको समझा रहे, this is a wonderful opportunity. आहलन करके जैसे project, बड़ा बड़ा जो leaders उसमें आके बात कर रहे हैं, उसको interview हो रहा है, उसका अंदर आपको क्या क्या समझा रहे, DXN का कितना जो history के बारे में जो बात कर रहे हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे पास टाइम कम थी है। आप एक एक अहलन देखो, जो इंग्लिश टू ट्रांसलेशन टू अरबिक अहलन बहुत है, उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब में है, उसमें एक एक आईएमडी से आईएमडी को इंटरव्यू करके उसका जो जानकारी जो दिया है, उन्होंने कितना स्ट्रगल करके डीएक्सएन को जो एस्टेब्लिश किया है, डीएक्सएन का जो विड्थ एंड डेप्थ क्या है, वो कितना बढ़िया कंपनी है, उसके बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू देके आप समझ सकता है। आईएमडी मीन्स इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर्स, अलग अलग आईएमडीज को इंटरव्यू कर रहे हैं, सलीम सर और सबाशन सर और शबी सर, तो आप देख लीजिए एक बार, इसको देखे समझो भाई कितना डेप्थ वाला कंपनी है हमारा कंपनी। इस कंपनी में अगर आप सीरियस नहीं होगा, इस कंपनी में अगर सीरियस नहीं होगा तो कौन सा कंपनी में जाके आप सीरियस होगा, इस कंपनी में अगर कामयाब नहीं होगा कौन सा कंपनी में जाके आप कामयाब होगा। आवर कंपनी इज अ वेरी सिंपल कंपनी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 100 PV करो, लोगों को मेंबर बना दो, 100 PV करवा दो, उसको भी 100 PV करवा दो, अगेन आप रिक्रूटमेंट करो, उसको भी 100 PV करवा दो, सिंपल, इजी टू यूज द प्रोडक्ट, इजी टू रेफर द प्रोडक्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आर यू रेडी? आपको बिलीफ होना चाहिए इसके ऊपर, अपना स्पॉन्सर के ऊपर बिलीफ होना चाहिए, कंपनी के ऊपर बिलीफ होना चाहिए, मैनेजमेंट के ऊपर बिलीफ होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ होना चाहिए। देखो हम बिलीव करता है, ऐसा नहीं है बिलीव नहीं है, ये छोटा सा वायरस के ऊपर पूरा दुनिया में हर आदमी को बिलीफ है। आप सोचो, वायरस को आपने देखा ही नहीं है, वायरस को कभी आपने देखा नहीं, फिर भी आपको 100% बिलीफ है वायरस है, क्योंकि किसी ने बताया, WHO ने बताया, साइंटिस्ट ने बताया, वो बताने के ऊपर आप बिलीव कर रहे हैं, आप कुछ देखा ही नहीं है। डीएक्सएन में प्रोडक्ट आपने देखा है, मैनेजमेंट को आपने देखा है, डॉक्टर लिम्स योजन को आपने देखा है, सिस्टम को आपने देखा है, आपका बोनस को आपने देखा है, हर चीज को आपने देखा है, फिर भी अगर आपको बिलीफ नहीं है, आपको पैशन कहां से आएगा? आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिलीफ होना चाहिए। वायरस को देखा नहीं है फिर भी आप बिलीव कर रहे हैं, इधर डीएक्सएन को देखा है, प्रोडक्ट को देखा है, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, फिर भी बिलीफ नहीं है, सोच के बैठा है, सोच के बैठेगा, बैठते रहेंगे, कोई क्राउन एम्बेसडर बनने वाला नहीं है। अगर आप बिलीव करके एक पैशन क्रिएट करके एक आग पैदा करके अगर आपने फील्ड में उतर गया, बहुत जल्दी आपका सक्सेस मिलेगा, बहुत जल्दी आपका लेवल्स चेंज हो जाएगा, बहुत जल्दी आप क्राउन डायमंड बन जाएगा, बहुत जल्दी आप क्राउन एम्बेसडर भी सकता है। आपका नेटवर्क क्रिएट करना है, इस दुनिया में अगर देखेगा जितना भी रिच पीपल है वो सारे रिच पीपल को अपना नेटवर्क है, इस दुनिया में अगर देखेगा जितना भी रिच और वेल्दी पीपल है उसका अपना खुद का नेटवर्क है। जो पुअर पीपल है, जो अमीर लोग नहीं है, जो पुअर पीपल होता है उसका कोई नेटवर्क नहीं होता, आम आदमी हम बोलता है, गरीब होता है उसका कोई नेटवर्क नहीं होता है, वो अकेला काम करता है, आज भी अकेला करता है, कल भी अकेला करता है, 10 साल के बाद भी अकेला काम करता है, 30 साल के बाद भी अकेला काम करता है। बट जो इंटेलिजेंट पीपल, जो अमीर लोग क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करके एक नेटवर्क क्रिएट करता है, वो नेटवर्क से उसको इनकम आते रहेंगे। आप अगर इंटेलिजेंट है तो एक नेटवर्क क्रिएट करो,
रिएक्शन में एक नेटवर्क क्रिएट करने का मौका है। नेटवर्क क्रिएट करो, जिंदगी बार एंजॉय करेगा, जिंदगी के बाद अपना फैमिली एंजॉय करेगा। एक पैशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर पैशन नहीं है, आप इसमें कामयाब नहीं हो सकता है। पैशन क्रिएट होगा, इस दुनिया में कोई भी आपको स्टॉप भी नहीं कर सकता है। एक बार के लिए वो पैशन अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करने का है। अभी हाउ इससे हमें डेवलप करना है, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि ये एनडीओपी का सब्जेक्ट है। आपको ये देखना है, आपको ये कैसे करना है, वो सारे चीज आपको समझ में आएगा। क्यों करना है अगर समझ में आ गया तो, इफ यू लव योर फैमिली, डू यू लव योर फैमिली। देखो ये दो पिक्चर आपको देख रहे हैं, एक पिक्चर क्या है, एकदम गरीब वाला फैमिली का है, दूसरा एक अमीर वाला फैमिली अपना फैमिली को लेके टूर पे जा रहा है। सॉरी अगर अपना फैमिली को आप प्यार करता है, आपको अपना फैमिली को एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी देने का है। आर यू रेडी? एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। आप ये नहीं बोलना है मुझे कोई मौका नहीं मिला इसलिए मेरा फैमिली को एक अच्छा लाइफ नहीं दे पा रहे। अभी आपका हाथ में मौका है भाई। आप ये नहीं बोल सकता है मेरे को किसी ने बधाया नहीं है, मेरे को जो रिएक्शन मौका इतना बेहतरीन है। अभी भवन साहब ने आपको बधाया, रिएक्शन मौका इतना बेहतरीन है, आपका फैमिली का लाइफ बदल जाएगा, अपना आने वाला जनरेशन का लाइफ भी बदलने का एक बहुत अच्छा मौका है। मैं आपको याद दिलवा रहे आने वाला टाइम में ना, आप कंप्लेंट शिकायत ऊपर वाले से भी नहीं कर सकता है। मरने के बाद ऊपर जाएगा, आप अगर ऊपर जाके शिकायत करेंगे ऊपर वाले मुझे आपने मौका नहीं दिया, वो थप्पड़ मार के आपको बोलेंगे आपने भवन सर का ट्रेनिंग नहीं सुना था, आपने डीएक्शन कंपनी के बारे में नहीं सुना था, डीएक्शन का मेंबरशिप भी लेने के बाद भी आप सीरियस नहीं हुआ। तो इसलिए ऊपर वाले से भी शिकायत नहीं कर सकता है। ऊपर वाला डायरेक्टली आके आपको नहीं देता है, कोई ना कोई आपका दोस्त होगा थ्रू, डीएक्शन मौका आपके हाथ में ऑलरेडी पहुंच चुका है, नहीं तो पहुंचने वाला है। आपको वो चीज रियलाइज करना है, पहचानना है कंपनी को, मौका को पहचानना है। मौका हमेशा नहीं आएगा। इफ यू लव योर फैमिली यू विल बी सीरियस अबाउट द एक्शन। इफ यू लव योर फैमिली यू विल बी सीरियस अबाउट द एक्शन। बच्चा को देखो कितना पावर है, उसका शक्ल देखो, उसका हाथ देखो, ये पावर हमारा अंदर में आना चाहिए। आपका डिसीशन डिटर्मिनेशन में बदलना चाहिए, इसके बाद एक्शन में बदलना चाहिए। हम डिसाइड करता है बट डिटरमिन नहीं करता है। Determination means a decision with a commitment. Commitment means a लगातार करने का, consistently करने का, लगातार रोज करने का। कोई भी चीज आप रोज करने चालू करेगा, ये आपका आदत बन जाएगा, उससे आपको बड़ा रिजल्ट भी आएगा। आप छोटा छोटा चीज कर रहे बट रोज करेगा, वहां से आपको रिजल्ट आएगा। अगर वो छोटा छोटा चीज रोज आप नहीं करेगा, कंसिस्टेंटली नहीं करेगा, आपका डिटर्मिनेशन नहीं है। डिसीशन विद कमिटमेंट नहीं, आपने डिसीशन किया बट नो कमिटमेंट। अगर आपका डिटर्मिनेशन है, आप एक्शन में बदलेंगे, आपका डिसीशन को आप एक्शन में बदलेंगे। टेक एक्शन नाउ। इफ यू आर टेकिंग एक्शन टुडे, इफ यू टेक एक्शन टुडे यू कैन गेट अ ग्रेट सक्सेस इन द एक्शन। सो जब तक आपका डिसीशन को आप बदल के डिटर्मिनेशन में नहीं बदलेगा, एक्शन में नहीं बदलेगा, आपको डीएक्शन से कोई बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला नहीं है फ्रेंड्स आपको। इसलिए आपको बदलना है खुद को, आपको एक्शन लेने का है। आर यू रेडी? दैट इज अ क्वेश्चन। आपको एक्शन लेने का है। जब आप एक्शन में नहीं बदलेगा आपका बात का, आपका जो डिसीशन को, कभी भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो रेस योर हैंड इफ यू आर रेडी टू कन्वर्ट योर टॉक टू योर एक्शन। यू नीड टू टर्न योर टेल टू शो। बातें ज्यादा करेगा नो प्रॉब्लम, वो बातें आपको एक्शन में बदलने का है। इफ यू आर रेडी रेस योर हैंड। देखो नेटवर्क में एक कहावत है, आप जो बोलता है वो आपका लीडर्स नहीं करता है, आपका मेंबर्स नहीं करता है, आप जो करता है, जो करके दिखाता है वो डुप्लीकेट करता है। आप 300 पीवी के बारे में जो बात करता है, आप एक बार करके दिखा दो, हर महीने आपने एक तारीख को 300 पीवी करके दिखा दो, 100% आपका टीम के अंदर डुप्लीकेशन होगा। बहुत ज्यादा लीडर्स 300 बोलने के लिए डरता है, कारण क्या है, खुद नहीं करता है, कुछ कुछ ट्रेनिंग में बोलता है, बट अगर आप 300 पीवी रोज हर महीना फर्स्ट तारीख को पहले तारीख को करके उसका एक एक व्हाट्सएप में उसका मैसेज अपना टीम को दे दो, आपको कुछ बात करने का जरूरत नहीं। यू नीड टू टेल, यू नीड टू टर्न योर टेल टू शो। एक्शन में बदलना है। आर यू रेडी? दैट इज अ क्वेश्चन। आप तैयार है क्या? आप तैयार है क्या? वेरी गुड। पीपल विल नॉट गो एज फास्ट एज दे कैन।
They go as fast as their leader. लोगों को अंदर ताकत है, लोगों के अंदर कैपेसिटी है, बट वो जब तक नहीं मूव करेंगे अपना लीडर्स मूव नहीं करेगा. अगर लीडर्स के अंदर पैशन नहीं है, लीडर्स के अंदर एनर्जी नहीं है, लीडर्स कैसे मूव करेंगे? इसलिए आपको एक्शन में बदल के, अपना वर्ड्स को एक्शन में बदल के, वो एनर्जी, वो जुनून आपको क्रिएट करने का है. वो जुनून से आपको पैशन क्रिएट करना है, एक एक बर्निंग फायर क्रिएट करना है. वो बर्निंग फायर आपको कामयाब बनाएंगे. जब आपका अंदर वो बर्निंग फायर है, आपका टीम का अंदर बर्निंग फायर ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा. अगर आप उदास है, आपका टीम भी उदास होगा. आप कंप्लेन करने से पहले आप बोलते हैं, मैं 10 साल से डिएक्शन कर रहा है, 5 साल से डिएक्शन कर रहा है, 1 साल से डिएक्शन कर रहा है, मेरे को बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आया, बहुत ज्यादा लोग नो बोल रहे. अगर उससे पहले आप कुछ सोचो, आपका पैशन क्या है, आप कितना सीरियस है, कितना एनर्जेटिक है इस डिएक्शन मौका को लेके. अगर इस डिएक्शन को लेके, इस मौका को लेके अगर बहुत सीरियस है, आप बहुत अग्रेसिव भी होगा, आप एक्शन में बदलेंगे, लोगों से एनर्जेटिक बात करेंगे. जब एनर्जेटिक बात करेंगे, रोज बात करेंगे, लोग भी एनर्जेटिक होगा, लोग भी डुप्लीकेट करेंगे, लोग प्रोस्पेक्टिंग आप करेंगे, आपका लोग भी, आपका मेंबर्स भी रोज प्रोस्पेक्टिंग करेंगे. आप जो करता है टीम के अंदर डुप्लीकेट करता है, आप जो बोलता है वो डुप्लीकेट नहीं होता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आर यू रेडी? आपको क्या करना है? चेंज योर माइंड सेटअप. आपका ग्रोसरी चेंज किए, जो नया नया लोग है, अपना ग्रोसरी बाद में बाहर से सुपर स्टोर से आप ले रहे, नो प्रॉब्लम. आप वो जो चेंज करके मंथली एक्सपेंस वाला सारे आइटम, जितना जो आइटम आपको डीएक्शन में मिल रहे, डीएक्शन से खरीदने चालू कीजिए. हमारे पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है, मशरूम पाउडर है, आपको जो सुबह के लिए जो खाने के लिए स्पाइरुलिना सीरियल है, सारे आइटम हमारे पास. आप ब्रेकफास्ट में बदल सकते हैं, और माइक्रोवेव जी है डिनर के लिए, उसके साथ सलाद के साथ अगर मिक्स करके खाएगा आपका डिनर हो जाएगा. आपका डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए हमने इंतजाम किया हुआ है. जितना प्रोडक्ट आप रिप्लेस कर सकते हैं डीएक्शन से, रिप्लेस कीजिए. हमारे पास विनाग्रेट है, मशरूम पाउडर है, स्पाइरुलिना है, कितना कितना प्रोडक्ट है भाई. माइकोवेजी है, डॉक्टर आसमा मुनीर ने एक सेशन दिया था माइकोवेजी के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो सेशन आप देख लीजिए, कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें एक सवा घंटे में दिया. अगर माइकोवेजी इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपका कभी भी स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर है. आपको आपका जो कोलन क्लीनर भी बोलता है, पेड़ हमेशा साफ करते रहेंगे. ऐसे करके हमारा हर प्रोडक्ट का इसका जो खासियत है, इसका स्पेशलिटी है. एक एक प्रोडक्ट समझो, एक एक प्रोडक्ट स्टडी करो, स्टडी करके प्रोडक्ट यूज करना चालू कीजिए. चेंज योर ब्रांड बाय ग्रोसरी फ्रॉम डीएक्शन. इसके बाद आपको क्या करने का है? अगर इधर ऐसे करेगा, आपको पॉइंट वैल्यू मिलेगा. पॉइंट वैल्यू एसपी में बदलेंगे, एसपी बोनस में बदलेंगे. बोनस आपको कैश में काउंटर से ले सकते हैं, चेक में ले सकते हैं. हेलो, आर यू रेडी भाई? समझना बहुत जरूरी है भाई. आप बदलने के बाद, ब्रांड बदलने के बाद, आपका दोस्त लोग और रिलेटिव लोग है, उसको बोलो भाई मैंने तो ब्रांड बदल गया, मेरे को हर महीने पीवी मिल रहे, मेरे को हर महीने थोड़ा थोड़ा बोनस मिलना चालू हो गया, ये इंक्रीज हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था. उसको समझाने का है, एक दिन में भी घर पे बैठ कर सुजलिंगन कमाऊंगा करके उसको बोलने का हिम्मत आपको होना चाहिए. आपका बोनस अभी में भी 50 दिरहम और 100 दिरहम हो सकता है, 500 दिरहम हो सकता है, नो प्रॉब्लम. बट विद कॉन्फिडेंस उसको ये समझाने का है, एक दिन में भी बैठ के 5,000 दरम कमाऊंगा, 50,000 दरम कमाऊंगा घर पे बैठ के. ये कॉन्फिडेंस अगर अपना मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, दोस्त को शेयर करेगा, वो लोग भी धीरे धीरे ब्रांड चेंज करेंगे, डीएक्शन से खरीदने चालू करेंगे. दैट इज व्हाट हैपनिंग भाई. एंटायर वर्ल्ड वी गोट 10 मिलियन कस्टमर्स. 10 मिलियन छोटा अमाउंट नहीं है, छोटा नंबर नहीं है. तो धीरे 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 लोगों का फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इस सिस्टम में आ रहे. आप भी अपना फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इन्वाइट कीजिए, इस सिस्टम में लेके आइए. मोर पीपल मोर वैल्यू, मोर पीवी वैल्यू मोर इनकम. मैं हमेशा मेरा ट्रेनिंग में बताता है, अगर आपके पास नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है बड़ा इनकम, छोटा नेटवर्क है छोटा इनकम, नो नेटवर्क नो इनकम, छोटा इनकम मिलेगा. तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए डीएक्शन में आइए, डीएक्शन का साथ मिलके, मैनेजमेंट का साथ मिलके अपना नेटवर्क क्रिएट कीजिए. और अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स उन्होंने क्या बोला, एनी अचीवमेंट, ओनली वे टू गेट अ ग्रेट अचीवमेंट इज टू लव व्हाट यू डू.
आप जो प्यार, आप जो करता है उस चीज को प्यार करेगा, तब जाके उसमें आपको बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। देखो मेरा बहुत बड़ा प्यार है, मेरा बहुत बड़ा शौक है ट्रेनिंग देने का, मैं उसमें बहुत प्यार लेता है ट्रेनिंग को, बहुत लोगों को जो लाइफ में बदलाव मैं देखना चाहता है, इसलिए मैं ट्रेनिंग को पैशनेटली मैं ट्रेनिंग देता है। इसका मतलब जो कुछ आप कर रहे हैं उसको प्यार करो। तो अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स द ओनली वे टू ग्रेट डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। अगर आप डिएक्शन कर रहे हैं प्यार करके करो, अचीव एनीथिंग यू नीड अ बर्निंग डिजायर अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल। आपको जब तक का बर्निंग फायर अंदर नहीं है, बर्निंग डिजायर नहीं है, आप बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। आपको इस वक्त सवाल ये पूछना है, आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है क्या? एक ड्रीम आपका अंदर होना चाहिए, एक बर्निंग डिजायर अंदर होना चाहिए। अगर वो बर्निंग डिजायर आपका अंदर नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकता है। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका और आपका लीडर का, प्लीज। अगर आपका अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं है, अब डिसाइड करो डीएक्शन नहीं करने का। रियली आई एम टेलिंग, आप मेरा ऊपर है ना थोड़ा नेगेटिव नहीं लेने का, क्योंकि मैं फ्रेंकली बता रहा है, क्योंकि आपका टाइम और आपका लीडर का टाइम सबका, आपका साथ जो एसोसिएट कर रहा है और आपका फैमिली वाला का टाइम, सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। और आपका अंदर वो बेनिंग डिसायर नहीं है, आपका अंदर वो बेनिंग डिसायर होना चाहिए आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने के लिए, डीएक्शन में कामयाब होने के लिए, डीएक्शन में क्राउन डायमंड बनने का, डीएक्शन में स्टार एजेंट बनने का, डीएक्शन में डबल डायमंड बनने का, डीएक्शन में लास्ट पोजिशन क्राउन मास्टर बनने का। वो बेनिंग डिसायर आपका अंदर है, आप 100 वो डिसायर पहले चाहिए भाई, काम बाद में, पहले डिसायर करो, बेनिंग डिसायर। ऐसे मैं जानता है बहुत ज्यादा लीडर जिसका अंदर फायर है, वो फायर का वजह से मेंबर से स्टार एजेंट भी बन गया, डबल डायमंड भी बन गया, ऐसे करके उसका लेवल चेंज होता जा रहा है। मैंने बहुत लीडर्स को देखा है। क्रिएट दैट बर्निंग फायर। आर यू रेडी? स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जब तक आपका दोस्त लोग, आपका घर वाले आपको नहीं बोलेंगे भाई ये आदमी पागल हो गया डीएक्शन को लेके, तब तक इस सिस्टम में आप कामयाब नहीं होगा। आपको डीएक्शन को लेके, सिस्टम को लेके थोड़ा सा पागलपन बनना पड़ेगा। लोग आपको देखे बोलना चाहिए भाई ये तो डीएक्शन को लेके पागल हो गया, तो आपको खुशी रहना चाहिए। भवन सर का बात याद आना चाहिए, क्या है भाई असली में मैं काम कर रहा है। अगर कोई आपको देखे नहीं बोल रहे आप पागल हो गया, इसका मतलब काम ठीक से नहीं हो रहा है। मेरा बात समझ रहे हैं ना? अगर कोई आपका दोस्त लोग, कोई फ्रेंड्स, आपका कोई घर वाला, कोई आपका रिलेटिव आपको देके एक कमेंट दे रहे हैं भाई ये तो पागल हो गया, ये हमेशा डीएक्शन बोलता है, हमेशा डीएक्शन का प्रोडक्ट बोलता है, बॉन्ड सर के बारे में बोलता है, सलीम सर के बारे में बोलता है, डॉक्टर डॉक्टर लिम सियोजिंग के बारे में बोलता है, इसका और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर ऐसे कोई बोल रहे हैं ये पागल हो गया, इसका मतलब यू आर इन द राइट डायरेक्शन। थोड़ा पागलपन बन जाओ। आर यू रेडी? आपको कैसे करना है उसके बारे में ऑलरेडी मेरा एनडीओपी में मैंने क्लियरली समझाया था। आपका प्रोस्पेक्ट रजिस्टर होना चाहिए, ड्रीम रजिस्टर, कैटेगराइजेशन, इनविटेशन, बॉम, सेल्स क्लोजिंग, सेल्फ ग्रूमिंग एंड हेल्प अदर्स टू ग्रो। इसके बारे में ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा है, अभी इसका एनडीओपी के एक अलग सेशन में देता हूं। उस सेशन में ये प्रोस्पेक्ट रजिस्टर, ड्रीम रजिस्टर, ये सारे चीज के बारे में मैं आपको समझाता हूं। एक सक्सेस फॉर्मूला मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। आपको एक लीडर ने मेरे से पूछा था, सर डायमंड है वो, स्टार डायमंड है, उन्होंने व्हाट्सएप करके मेरे से पूछा, सर डीएक्शन में फास्ट सक्सेस के लिए क्या करने का है? मेरा उसका जवाब है भाई स्पॉन्सरिंग करो। कितना स्पॉन्सरिंग करना है, कब करना है? डेली स्पॉन्सरिंग करना है। आप डायमंड बन गया तो भी स्पॉन्सरिंग करो, डबल डायमंड बन गया तो भी स्पॉन्सरिंग करो, क्राउन अम्बेसडर बन गया तो भी स्पॉन्सरिंग करो, क्योंकि स्पॉन्सरिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, स्पॉन्सरिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ डीएक्शन बिजनेस। अगर आप स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे, इसका मतलब यू आर मिसिंग द बस, यू आर नॉट डूइंग द बिजनेस। मैं एक छोटा सा इक्वेशन आपको देना चाहता हूं। एक इक्वेशन है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जल्दी आपको कामयाब बनाएंगे। दिस इज 3 रूल्स। मैं आपको 3 ऐसे रूल्स देंगे, अगर वो रूल्स आपने इंप्लीमेंट किया, आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत जल्दी बूम हो जाएगा। रूल नंबर 1, कुछ लोगों को मालूम है क्या है रूल नंबर 1? एनीबडी कैन कमेंट?
Let me see the chat. Nobody is commenting. Iska matlab mera training. No, not sponsoring. Maine teen rules sikhaya tha. Sponsoring okay. मैंने तीन रूल एक दो ट्रेनिंग में मैंने सिखाया था. रूल नंबर वन, सी मोर पीपल. रूल नंबर टू, सी मोर पीपल. रूल नंबर थ्री, सी मोर पीपल. हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में, हर करियर में सक्सेस होने के लिए कुछ टेक्निक होता है, रूल्स होता है. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको सक्सेस होने के लिए ये तीन रूल अप्लाई करो. See more people, see more people, see more people. अगर आपका पास लैपटॉप है टाइप कर सकता है, एक बार फटाफट चैट में टाइप करो. रूल नंबर वन, see more people. रूल नंबर टू, see more people. रूल नंबर थ्री, see more people. मेरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी कुछ सवाल आएगा, सर बिजनेस कैसे डेवलप करना है. सवाल मत पूछो ऐसे. आप ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलेगा तो ज्यादा आपका स्पॉन्सरिंग हो जाएगा, ज्यादा प्रोस्पेक्ट से क्रिएट हो जाएगा, प्रोस्पेक्ट से मेंबर क्रिएट हो जाएगा, मेंबर से लीडर क्रिएट हो जाएगा, लीडर से क्राउन एम्बेसडर क्रिएट हो जाएगा. आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. रोज ये तीन रूल अप्लाई कीजिए. आर यू रेडी? आर यू रेडी? वेरी गुड. यूज द सोशल मीडिया. अभी सोशल मीडिया के बारे में भी बहुत ज्यादा सेशंस हो रहे. लास्ट में थोड़ा एक दो स्लाइड हो रहे. योर मोटिवेटर इन एक्शन. जो रेड कलर का आपको देख रहे, जो लेफ्ट साइड है एफर्ट, राइट साइड में आपको जो देख रहे इनकम. जो रेड आरो आपका एफर्ट है, शुरुआत में आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेगा, इनकम बहुत कम होगा. बाद में आपका एफर्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा, इनकम बढ़ने चालू हो जाएगा. एफर्ट और कम हो जाएगा, ग्रीन बढ़ते जा रहे, इनकम बढ़ते जा रहे. आपका ऐसा सिचुएशन एक्शन में आएगा, एफर्ट बिल्कुल जीरो, इनकम कंटिन्यूसली आते जाएंगे. उसके लिए तीन चार साल लगेगा, पांच साल लगेगा, मे बी दस साल लगेगा. आपको देखना है कितना साल में आप ये जो टॉप पोजीशन में पहुंचेगा. दिस इज योर मोटिवेटर. दिस इज कॉल्ड एन ग्राफ. बिलीव इट इज पॉसिबल. आपको विश्वास करना है ये पॉसिबल है. आप एन ग्राफ का सबसे टॉप में पहुंचेगा, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा. इफ नॉट मी हु, इफ नॉट नाउ व्हेन. आपको अपने आप से सवाल पूछना है, अगर मैं नहीं करेगा कौन करेगा? अगर मैं क्राउन एम्बेसडर नहीं बनेगा कौन क्राउन एम्बेसडर बनेगा? अगर अभी नहीं करेगा कब करेंगे? ये सवाल अपने आप से पूछना है. 100% आपको इसका रिजल्ट भी आएगा. इफ नॉट मी हु, इफ नॉट नाउ व्हेन. बिल्ड योर करियर विद डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. Direct selling is the best career, best profession in the world today and now. Thank you very much. God bless you all. आपको सबको ऊपर वाला blessing देने दो. Thank you so much. अगर आपका कोई सवाल है अभी मेरे से आप पूछ सकता है. Any specific question? आगे अभी तक मैंने जो समझाया उसको लेके नहीं. Somebody is saying, if you broadcast in YouTube में कल तक इसका अपलोड हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. Facebook में ऑलरेडी है. Facebook से DXN Middle East का Facebook पेज से आप लोग शेयर कर सकता है. और कुछ चैट में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं देखता हूँ. लोगों ने एंजॉय किया, थैंक यू सो मच बोल रहे. सी मोर पीपल, सी मोर पीपल. ओके, एक्सेलेंट. आप मैक्सिमम शेयर कीजिए. एंड मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोग. ऑलमोस्ट 1 hour 24 minutes मुझे सुन लिया, मेरे को सहन कर लिया. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जो जानकारी आपको यहाँ से मिला वो सारे जानकारी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कीजिए. इम्प्लीमेंट करेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस.